ठुक गई यार गाइस, अब मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं लग रहा है मेरे को। जो कि गाड़ी है ठुक गई है, सो मैं आपको बताता हूं कहां से ठुक गई है। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं, ब्लॉगिंग बंद कर रहा हूं, कैमरा बंद कर यार, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। और यहां पे रोड गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मेरा काफी 3-4 दिन के बाद मन कर रहा है ब्लॉग बनाने की। दिखाई थी कि बारिश होगी आज, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। सो गाइस आई होप सब अच्छा रहे। सो अभी मैं किन किन के साथ आया हूँ आप देख सकते हो, मेरे दोस्त आए हैं। और आप वेदर देख सकते हो यार, क्लाउड ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल जमीन पे आ चुके हैं। गाइस आप खुद देखो कि सामने ही, आप चेक करो, यहाँ पे एक फोटो शूट भी करेंगे हम अच्छा सा। और अभी आप देख सकते हो गाड़ी भी क्या ही मस्त लग रही है। सो अभी आपको मैं वाइड एंगल से दिखाता हूँ, देख सकते हो क्लाउड्स। और ये आप दोस्त जानते हो जो कि पिछले व्लॉग में आया था, और गाइस सपोर्ट करो। और पिछले व्लॉग में भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुई थी गाइस। और यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे आग लगा के जला दिए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। तो आज अभी आपको गाड़ी दिखाता हूँ पास से, अभी साइड से आप व्यू देख सकते हो क्या ही मस्त व्यू है। और अभी आपको मैं फ्रंट से लोकेशन चेकआउट करो यहाँ पे, आई होप फोटो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे इस लोकेशन पर। सामने देख सकते हो क्या ही धूप पड़ रही है, वो कुछ इस टाइप की लग रही है अभी गाड़ी। तो गाइस आपको एक बात बतानी थी यार, गाड़ी ठुक गई यार गाइस, अब मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं लग रहा है मेरे को। जो कि गाड़ी है ठुक गई है, सो मैं आपको बताता हूं कहां से ठुक गई है। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं, ब्लॉगिंग बंद कर रहा हूं, कैमरा बंद कर यार, कर यार, छोड़ यार, बंद कर यार। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से गाड़ी ठुकी थी। तो आप देख सकते हो कि यहां से कुछ इस साइड से लगी थी। मैं गाड़ी जो कि रिवर्स कर रहा था, तो रिवर्स करने में थोड़ा सा जो हमारी जगह है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, गेट से नहीं इतने अच्छे से निकल पाती है। और उसके कारण क्या हो गया, यहाँ से लग गई थी गाड़ी की आवाज़ भी आई थी। लेकिन आई होप मैंने देखा सब अच्छा हो, मैं आपको पास से दिखाता हूँ गाइस। यहाँ से कहीं लगी थी तो, लेकिन अब इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से लगी थी, लेकिन सच में लगी थी, यहाँ से बची थी शायद, छोटा सा यहाँ टायर बजा होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने देखा, आई होप सब बच गई थी, तो नहीं तो अच्छे से क्रेच वो पड़ जाती। तो गाइस अब मैं क्या करूँ यार, गाड़ी ठुक गई यार, क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और यहाँ पर रोड पर बैठ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा यार, भैया बहुत उदास हो रुके हैं। अभी तो ये लोकेशन भी ऐसी यार, मेरे को तो गाड़ी चलाना नहीं आती यार, भैया कैसे चलाएंगे यार, भैया तो कह रहे मैं चलाऊंगा नहीं यार, उनका मूड ऑफ हो गया यार, बहुत मूड ऑफ हो गया। तो आपने न्यू गाड़ी ली और गाड़ी ठुक जाए तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आप एक खुद बार सोच के देखो। और 500 किलोमीटर कुछ चल चुकी है गाड़ी, और आपको एवरेज भी दिखाऊंगा कि कितनी एवरेज दे रही है अभी तक की। और ये बहुत ही मस्त ब्लॉग रहने वाला है गाइस, सो चलो। अभी हम ये लोकेशन छोड़ने वाले हैं, इसको लोकेशन को छोड़ के जाना जाने अंदर। और अभी मैं भी जस्ट आने लगा हूँ, तो आपको इंटीरियर दिखाता हूँ कितनी आवाज दे रही है कितनी, और इसको सुंदर से वेदर को भी आप बाय कर सकते हो। सो भी जा रहे हैं, एवरेज दिखाने लगा हूँ कि गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है। और आप देख सकते हो 13.5 की एवरेज दे रही है, और कुछ इतनी चल सकती है। और आप देख सकते हो कितने किलोमीटर चली है, 500 कुछ चली है। तो आपको आगे का ब्लॉग दिखाता हूँ, चलो भाई। सो गाइस जा रहे हैं, देख सकते हो आप रोड सामने का, चलाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करना है, चलानी पड़ती है गाइस। थक गई गाड़ी, थक गई थी, कितना ज़्यादा दुखी हो गया था, सैड हो गया था, आप सबने देखा होगा ब्लॉग में भी। गाइस आप देख सकते हो मैं जो जिस पहले पार्क में आया था, जो पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं सेम उसी पार्क में आ चुका हूँ। और मूड काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, ख़राब हो गया था, तो अभी मूड थोड़ा सा फ्रेश करने आया हूँ। और सौरभ भी सेम हमारे साथ आया इस पार्क में आज, सो भी बैठते हैं। मैंने बोला भैया को इस पार्क में चलते, भैया का मूड ऑफ हो गया था, मैंने कहा भैया चलो चलते हैं। लेकिन अब बच गई गाड़ी, लगी नहीं थी बिल्कुल भी, आपने देखा होगा कि शो नहीं हो पा रही थी, लेकिन सच में लगी थी गाड़ी। सो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। और क्लाउड्स आज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ज़मीन पे ही आ गए। अभी मैं जा रहा हूँ घर, सो आपने देखा होगा ब्लॉग जैसा भी रहा, आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मेरे से और थोड़ा सा बनता है तो मैं बनाने की ट्राई करता हूँ गाइस। ये देखो जब मैं आ रहा था तो गाड़ी यहाँ से लग गई, यहाँ देख सकते हो आप, लेकिन ये कहेगा यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी कम स्पेस है यहाँ से गाड़ी निकल पाए। गेट पूरा खुला हुआ था तो हवा ही ऑटोमेटिक बंद हो गया, उसकी वजह से हो गया। और ये बुलेट भी मैंने चलाना था लेकिन नहीं चला पाई, घर वालों ने चलाने दिया, क्योंकि ये मेरे दोस्त का और मेरा नहीं, अगर मेरा होता तो मैं चलाता। फ्यूल है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख सकते हो कुछ इतनी सी जगह निकालने के लिए तो काफ़ी जगह है, लेकिन जब गाड़ी लगनी हो तो लग ही जाती है गाइस।